हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्ले ऑन। आज कुछ नया ही डालूंगा। देखो, एक्चुअली डालना था मुझे स्टार्ट पीआईपी का जब हुआ था ना, तो सोचा था केमिस्ट्री के बारे में कुछ डालूं, कुछ भी करूं, बस ऐसे कुछ सोचा नहीं था। फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री के बाद मैंने कुछ फिजिक्स के डाले, फिर उसके बाद बायो के भी कुछ लेक्चर्स डाल दिए, तो फिर सोचा कि यार ह्यूमन एनाटॉमी डालता हूँ, तो फिर उतना टाइम नहीं हो पाया, तो पहले नीट पे ही फोकस कर दिया मैंने ज़्यादा, ठीक ना। और मुझे मतलब करना क्या, मुझे एक ऐसा सोसाइटी बनाना है ना, उतना शायद कर पाऊँ या ना कर पाऊँ आई डोंट नो, ठीक है, बट ऐसा बनाना है कि जहाँ पे एडुकेशन आप लोगों को फील हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषण दिया जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला, मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे डाला आपके सामने, और हो सकता है लो कॉस्ट में आप लोगों को बेस्ट एडुकेशन और मटेरियल मिल सकता है। तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पेपर डाला है, बहुत कुछ डाल दिया है, हर एक चैप्टर से 100+ क्वेश्चन है, और वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो 481 टोटल वीडियोस डाला। अब बारी है ह्यूमन एनाटॉमी की पूरी नीट की। एटलीस्ट कम से कम 10 चीज़ें तो डालूंगा ही डालूंगा। पूरा एनाटॉमी रहेगा, हिस्टोलॉजी रहेगा, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ऑलमोस्ट 19 में से आप लोगों का 10 तो डाल ही दूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन एनाटॉमी में पूरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन न्यूरो एनाटॉमी रहेगा, और वॉल्यूम 2, लोअर लिम एंड एब्डोमेन एंड पेल्विस, ठीक है। थॉरेक्स भी ठीक ही है, थॉरेक्स भी थोड़ा अच्छा खासा है चैप्टर, पढ़ने लायक है थॉरेक्स। तो आज चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या, बुक भी दिखाऊंगा, बीडी चौरसिया बुक पूरा 4 वॉल्यूम। देखो, फोर्थ वॉल्यूम लेना मत, अभी फोर्थ वॉल्यूम आप लोगों को कोई काम करने का, फोर्थ वॉल्यूम आप लोग आगे में आके लेना, ठीक है। ये रहा फोर्थ वॉल्यूम ब्रेन न्यूरो एनाटॉमी, तो ये आप लोगों का फर्स्ट ईयर के लिए काम का नहीं है, ठीक ना। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, पहला तो आप लोगों का ह्यूमन एनाटॉमी, ये देख लो, अपर लिम एंड थॉरेक्स है, ठीक है, अपर लिम एंड थॉरेक्स। बीडी चौरसिया सबसे अच्छा है, बीडी चौरसिया नहीं तो आप लोग ग्रेज का ले लो, ये सबसे अच्छा बुक होता है। और बुक याद रखना, थोड़ा मेडिकल में बुक लेना पड़ेगा, और अच्छा खासा नंबर ऑफ बुक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। और अपने लैपी में पढ़ते हो तो वो देखो यार, जब तक फिजिकली चीज़ें दिख नहीं रही है ना सामने, तब तक मज़ा नहीं आता पढ़ने में, ऐसा मेरा मानना, ठीक है। तो बुक ही सॉफ्ट कॉपी से अच्छा है कि हार्ड कॉपी हो, फिजिकली प्रेजेंट हो आपके पास। ग्रेज का एनाटॉमी भी अच्छा है, पर इंडियन हो तो इंडियन ऑथर जरूरी है, तो बीडी चौरसिया जरूर पढ़ो। ग्रेज का मैंने इसलिए पढ़ा, यूएसएमली और बहुत सारे एग्जाम है जिसमें बहुत ही हेल्प करता है वो। तो बीडी चौरसिया में आप लोगों को पहले तो ह्यूमन एनाटॉमी का बीडी चौरसिया लेना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल सा। लेटेस्ट एडिशन खरीदना कभी भी, ठीक है, कभी भी खरीदना तो लेटेस्ट एडिशन, ये जितना भी दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को लेटेस्ट ही है। फिर से आप लोगों को कमिंगम का या क्यूमिंगम जो बोल लो आप लोग, प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा बीडी चौरसिया की, तो 3 ही वॉल्यूम लेना, लिख दे रहा हूँ 3 वॉल्यूम, चौथा वॉल्यूम मेरे पास तो पूरा मेडिकल का बुक है, तो इसलिए पूरा नहीं दिखाऊंगा। तो 3 वॉल्यूम लेना, चौथा वॉल्यूम अभी आप लोगों का काम करने है। फिर एटलस ले लेना, एटलस एक ले लेना, एटलस इंपॉर्टेंट है। फिर हिस्टोलॉजी इंद्रवीत सिंह का बोलूंगा मैं, आईबी सिंह, ठीक है, हिस्टोलॉजी इनका लेना। थर्ड नंबर में आप लोग एम्ब्रियोलॉजी, अगेन यही आईबी सिंह। फिर फिजियोलॉजी अगर लेना तो एके जैन का ले लो, फिजियोलॉजी सबसे अच्छा है, एके जैन का, नहीं तो ग्यूटोन का भी ले सकते हो। बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण, फोर्थ नंबर में फिजियोलॉजी, एके जैन, एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे बुक अच्छे हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर में सत्यनारायण का लेना, बायोकेमिस्ट्री अगर अच्छा से कवर करना है। क्या होता है ना, नीट पीजी हम लोगों को देखना है, इसको मैं देख के बता रहा हूँ आप लोगों को, नीट पीजी करना है तो ये सारा कर लो, उसके बाद फर्स्ट ईयर आप लोग कंप्लीट होगा ना, फिर आप लोग समझ जाओगे कैसे क्या करना। अभी तो फिर से आप लोग फोर्थ ईयर में जाओगे तो फिर ये सारा ह्यूमन एनाटॉमी का रिव्यू बुक लोगे, दो दो घंटा में पूरा ह्यूमन एनाटॉमी आप लोग कंप्लीट करोगे, दो घंटा में, ठीक है। जो चीज़ें आप लोगों को साल भर से भी ज़्यादा लगेगा, उस चीज़ों को 2-3 घंटे में ख़त्म करना होगा, तो ये सारा नीट पीजी में बहुत ही हेल्प करेगा। डायग्राम हमेशा याद रखना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 15-20 क्वेश्चन डायरेक्ट 30 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्लिनिकल भी देखते रहना, जितना भी क्लिनिकल बीडी चौरसिया में दिया हुआ है, क्लिनिकल मत छोड़ना, बीडी चौरसिया का डालूंगा जब भी समय मिले मेरे पास,
अभी तो नहीं, नेक्स्ट ईयर 2020 मैं पूरा का पूरा एनाटॉमी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये था बुक, पहला लेक्चर, बुक ही दिखा देता हूँ, वुमेन एनाटॉमी अपर लिम एंड थोरिक्स, सेकेंड वॉल्यूम आप लोगों का लोअर लिम एब्डोमेन एंड पेल्विस। ठीक है, इन सब में ये दिया हुआ है, ये चार्ट टूट दे देता है सब, तो ये देख लो आप लोग बुक, इसमें पूरा का पूरा वही है। अभी फर्स्ट में तो आप लोगों को जो ट्वेल्थ में पढ़ा ना, इलेवेंथ क्लास में फिजियोलॉजी, क्या नाम था उसका, ह्यूमन फिजियोलॉजी कुछ ऐसा करके नाम होगा, तो वही है, थोड़ा सा हायर लेवल का, हायर लेवल तो होना जायज सी बात है, बट बेसिक जरूर क्लियर रखना, क्योंकि अब जैसे आप लोग देखो ये इसका फर्स्ट ही पेज में आप लोगों का पूरा ये दिया हुआ है, अब ये पढ़ा हुआ होगा, देखो इसका फर्स्ट पेज में पूरा का पूरा ये दिया हुआ, और ये क्लास इलेवेंथ का लास्ट चैप्टर में आप लोगों को लास्ट मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये दिया हुआ, तो इस चीज़ को बेसिक याद रखना। अब बेसिक के बाद क्या होगा ना, यहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, कैल्विकल दिया है तो कैल्विकल को पढ़ेंगे, स्कैपुला दिया है स्कैपुला को पढ़ेंगे, ह्यूमरस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा अगर एनाटॉमी क्लियर है तो आप लोगों का पूरा मेडिकल लाइफ अच्छा से बीतेगा। अगर एनाटॉमी, और देखो इम्पॉर्टेंट है एनाटॉमी, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, यूएसएमएलई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है यूएसएमएलई के लिए, तो एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, अगेन ऑल फिजियोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन एनाटॉमी तो है ही, यूएसएमएलई की बात कर रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से पढ़ना कि कुछ भी पूछ दे, हेड एंड नेक लास्ट वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4th में आता है तो वो आप लोग छोड़ दो, अभी मत लेना ब्रेन एंड न्यूरो एनाटॉमी। ठीक है, तो ये था आप लोगों का बीडी चौरसिया की बुक, ग्रे क्रिसेंट का वो बहुत ही भारी भरकम बुक है, वो भी कभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास क्या, अब क्लास नहीं होगा, मिलते हैं जब समय मिले तब अपलोड करूंगा, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को कोई फर्स्ट ऑफ लक नहीं बोलने का आदत हो चुका है, इसलिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये अगर जो देख रहे होंगे नीट के स्टूडेंट, उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज एम्स एंड जिपमर। ठीक है, और अच्छे से देना, कुछ नहीं है, एग्जाम हमने भी दिया था, आप लोगों को भी देना है। ठीक ना,